जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू बेणु गोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गहल बा। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ॐ गीता 4 श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके गुण त्रय विभाग योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न, हे अर्जुन, जे सत्य गुण में स्थित बा ऊपर की ओर बढ़ेला, जे रजो गुण में बसल बा बीच में रहला, तमो गुण की प्रवृत्ति से चिपकल लोग नीचे की ओर बढ़ेला। ई कह के श्री कृष्ण परमात्मा ई साफ कर रहल बाड़न कि जे सत्य गुण में बलवान बा ऊ लोग अंततः मोक्ष के प्राप्त करी, जे रजोगुण में उच्च बा ऊ लोग अपन इच्छा के फल के भोग करे खातिर स्वर्ग जैसन मध्य लोक में चढ़ जाई, बाकी ई इनाम के खत्म भेला के बाद लौटाई। जो तमोगुण में हावी बा ओकरा के कम जन्म आ गिरावट के अनुभव हुई। ऐसे जौन करे के चाही ओकरा में आलसी न होके, जौन न करे के चाही ओकरा से परहेज करे के चाही, और सात्विक भोजन खा के हमनी के सद्गुण के विकास और आत्मज्ञान के प्राप्त करे के कोशिश करे के चाही। एकरा अलावा रजोगुण और तमोगुण के दबा के सत्गुण के विकास करे खातिर और ई तीनों गुणन के बंधन से मुक्त होके के खातिर हमनी के अपन सगरी कर्म श्रीकृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण सेवा में समर्पित करे के चाहिए और श्रीमन नारायण के हाथ में साधना के रूप में काम करे के चाहिए। श्रीकृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान करत हमनी के श्रीमन नारायण के प्राप्त के उद्देश्य से अपन शरीर के उपयोग करे की शुरुआत करी जा। हमनी के श्रीमन नारायण के पूरा तरह से समर्पण करके श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावे की कोशिश करी जा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जे के मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के अपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के अपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पाँचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण,
आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवद गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करम जौन तू करे का कहब, हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम उइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ॐ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कैल गईल ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐस करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।